इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से जो इंडियन रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है एक 31 मार्च तक के लिए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। जिस तरह से हम कोलकाता की बात करते हैं तो जो मेट्रो है उसके बंद होने पर हम मानते हैं कि कोलकाता बंद हो गया। उसी तरह से अगर मुंबई लोकल की बात करते हैं तो एक तरह से ये माना जाता है कि मुंबई पूरी तरह से बंद हो गया। तो ये कितना मुश्किल था ये फैसला इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट को लेने के लिए कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। ये जो पूरी तरह से रेलवे के लॉकडाउन का जो ये फैसला लिया गया वो लेना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को एक काफ़ी अच्छा सोर्स है जो इंडियन रेलवे है। तो कितना मुश्किल था ये फैसला लेना, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानें। जो लॉकडाउन का फैसला था सरकार ने कुछ छोटे मोटे आंकड़ों को देख के नहीं लिया है, कुछ बहुत बड़े आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद ये लॉकडाउन का फैसला लिया गया। क्योंकि इंडियन रेलवे एक ऐसा सोर्स है ट्रैवलिंग का जिसमें डेली लगभग 1.25 करोड़ लोग जो है डेली ट्रैवल करते हैं। लगभग 12,000 ट्रेनें एक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो है आती जाती हैं। और सिर्फ अगर पैसेंजर्स की बात करते हैं तो 1.25 करोड़ लगभग पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर अगर देखा जाए तो जो जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनको छोड़ने के लिए कितने लोग आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन से पे चढ़ के सिर्फ एक डिसाइडेड स्टेशन पे सब लोग उतरते हैं, बीच बीच में लोग हर स्टेशन पे अपने डेस्टिनेशन पे उतरते रहते हैं। तो कितने जो है ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर, ये तो जो है मालूम करना आसान है। ये रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक आसान था कि लिस्ट जो है दे सकते हैं कितनी टिकट बुकिंग हुई है। लेकिन जो लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, जो परिजन उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, या फिर स्टेशन पे जो उनको छोड़ने आ रहे हैं, ट्रेन में जो उनको छोड़ने आ रहे हैं, तो ये एक काफ़ी जो है अहम बात थी। ये जो है बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनकी हम टेस्टिंग या उनकी चेकिंग हम कैसे करेंगे। तो ये एक जैसे कि ये जो बीमारी है तरह से ये स्प्रेड हो रही है वन टू अनदर पर्सन वाया एयर, वाया एक दूसरे से जब कनेक्ट में आते हैं एक जो है दो लोग, तो ये जो बीमारी है ये स्प्रेड हो रही है। तो इसी के चलते रेलवे ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया और 31 मार्च तक जो रेलवे डिपार्टमेंट है पूरी तरह से इसको बंद किया गया है। जानते हैं किस तरह से कुछ केसेस आए जिसके चलते ये जो रेलवे लॉकडाउन प्रॉपर लिया गया, ये क्यों क्यों लिया गया, क्या अहम बातें हुई रेलवे लॉकडाउन लेने के। रेलवे के लॉकडाउन की आगे बात करते हैं तो रेलवे के लॉकडाउन का एक अहम फैसला ये भी था कि 12 से 14 लाख लोग जो है रेलवे में वर्किंग है, जो लोग काम करते हैं रेलवे के अंडर में। तो एक ये भी अहम फैसला था कि 12 से 14 लाख लोग अगर ट्रैवल करते हैं जो है तो भी एक बड़ा संकट आ सकता है कि किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोग इस वायरस से इंफेक्टेड हुए हैं। 13 मार्च की बात करते हैं कि 13 मार्च एक ऐसा दिन जिस दिन ये पहला केस आया रेलवे के एंड से कि एपी संपर्क क्रांति में लोग जिसमें से 8 पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए। इसके बाद 13 मार्च को जो गोदान ट्रेन में जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उसमें से 4 पॉजिटिव केसेस आए। 13 मार्च को जो भुवनेश्वर के लिए लोग पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे 4 केसेस सामने आए। बैंगलोर में 2 ऐसे पॉजिटिव केसेस आए थे। जैसा कि ये जो बीमारी है इसको लेके पहले ही कहा गया था लोगों को पैनिक नहीं होना, लोग सेल्फ आइसोलेटेड रहें। 2 पॉजिटिव केस बैंगलोर के ऐसे थे जिनको कि डॉक्टर के थ्रू ये इसका डॉक्टर के थ्रू ये कहा गया था कि आप लोगों को सेल्फ आइसोलेटेड रहना है क्योंकि उनमें कुछ लक्षण जो है कोरोना के देखे गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खुद से जो है रेलवे के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे। तो ये एक तरह से ना समझिए लोगों की, जनता कर्फ्यू के दिन ही एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया और बहुत बड़ी ये बात रही कि जनता कर्फ्यू अगर देखा जाए कि सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक हम घर रहते हैं और 5 बजे के बाद अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या ये जो है क्या ये कमेंट किया कि 5 बजे निकल के आपको बाहर थाली बजाना है या घर में रह के थाली बजाना है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से फेल होता हुआ देखा जा रहा है क्योंकि 5 बजे लोग इस तरह से जमावड़ा बना के जगह जगह इकट्ठा हुए, एक तरह से मेला लग गया लोगों का थालियां बजाने के लिए, बर्तन बजाने के लिए। तो हम सभी को मालूम है कि ये जो केस है ये एक तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो रहा है। कनिका कपूर का केस अगर लेते हैं, वो लंदन से आई और उन्होंने पार्टीज अटेंड की और यहाँ वहाँ गई, तो फाइनली अभी केस क्या निकला कि उनको कोरोना है। अब उनसे कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोगों से मिली, ना तो पूरी लिस्ट मिल सकती है ना तो एक एक करके। लगभग 40 लोगों को चेक किया गया,
40 लोगों का केस जो है वो निगेटिव आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने अलग लोग और लोगों से हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी में वो गई तो जहाँ जहाँ वो गई, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से सारे केसेस निगेटिव ही हों। रजत दत्त जो रेलवे के प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये जो लॉकडाउन है, ऐसा जो इसके पहले भी हिस्ट्री में इसका सिनेरियो देखा गया था 1974 में जो रेलवे यूनियन की एक स्ट्राइक थी उसमें जो है ये बहुत बड़ा एक इसका इफेक्ट देखा गया था। रेलवे को लगभग 100% रेलवे उस समय भी लॉकडाउन किया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स से 20% रेलवे जो है रेलवे दोबारा से चलाई गई थी, लेकिन 80% रेलवे स्ट्राइक के अंतर्गत नहीं चल पाए थे, उनको चलने नहीं दिया। इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट की ऊपर बात करते हैं तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा वो पूरी तरह से जिन चीज़ों की आवश्यकता है इस समय हॉस्पिटल्स में या मार्केट में या लोगों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सबसे पहला तो आता है सैनिटाइजर और दूसरा आता है मास्क। ये दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इसकी ये इनफ नहीं है अभी तक, जो है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर बात करते हैं हम टेस्टिंग की तो इंडिया में अगर सिर्फ टेस्टिंग की बात करते हैं 10 लाख के पीछे 600 लोगों का जो है टेस्टिंग किया जा रहा है। मतलब अगर 10 लाख लोग अगर हैं तो उनमें से सिर्फ 600 लोगों को इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे ही अगर अदर कंट्रीज की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 लाख लोगों में से 6,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग इस वायरस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है इसको लेकर। अगर टेस्टिंग का जो ये रेशियो है अगर इसको बढ़ाया नहीं गया तो बहुत बड़ा संकट इसके अंतर्गत आ सकता है। तो फिलहाल मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने लोगों से आपसे रिक्वेस्ट किया कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, और अगर बाहर आप जाते भी हैं तो आते ही अपना हैंड वॉश कीजिए। अगर आप कुछ खरीदते हैं, कहीं कुछ बार्गेनिंग करते हैं, सब्जियां वगैरह कुछ लेते हैं अपनी ज़रूरत की, तो अगर वहाँ पे आप पैसे देते हैं कुछ वो चेंज देता है, तो कोशिश करिए जो चेंज दे रहा है उसको भी आके घर से उस पर सैनिटाइजर मारिए या फिर उसको पानी से धुल के रखिए, क्योंकि वायरस ये ऐसा है कि आप देख नहीं सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब ये वायरस जो है कहाँ कहाँ से किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए इसके लिए। ये जो अभी काफ़ी लोग हैं जो कोरोना भी ये जो बीमारी है इसको मजाक में ले रहे हैं, लोगों का कहना है कि कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ इसको जो है आगे जो है शेयर करिए अपने रिलेटिव, अपने जानने वालों के पास, और उनको बताइए कि कितनी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी कोई दवा नहीं है, और कोई भी बीमारी तब तक खतरनाक बहुत ज़्यादा होती है जब तक उसकी कोई दवा नहीं रहती। फिलहाल आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसको शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मैं हाजिर होऊंगा कुछ नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।